गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब मैं निकल रहा हूँ बस हर्सिल वैली के लिए, और जो कि अराउंड 224 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी बारिश हो रही है बहुत, बट लेट नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ जाने में मुझे ऑलमोस्ट 3-4 बजेंगे शाम को। तो ये लोग बता रहे कि उत्तरकाशी से अभी काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलेगी वहाँ पर, तो स्नो सीन तो मैं लेकर आया हूँ उसके लिए, वो मिलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ हर्सिल सीधा, तो इसका जो रूट है वो उत्तरकाशी से पड़ेगा, और टाइम के हिसाब से जिस टाइम मुझे निकलना था मैं उससे लेट हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, और आगे स्नो है तो प्रॉब्लम होगी। बस आई होप मैं अंधेरा होने से पहले पहले पहुँच जाऊँ आप वहाँ पर, तो देखते हैं। बट वेदर अभी फ़िलहाल ठीक है, बारिश हुई थी स्टार्टिंग में जब मैं निकला था, बट अभी तो नहीं है, किसी किसी पार्ट पर धूप भी है। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर, क्या यार पूरा पानी भरा हुआ है अब तो। तो गाइज अभी मैंने अभी बाइक रोकी है यहाँ पर उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर पहले हूँ मैं, और ये पूरा डैम है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी बस यहाँ से निकलूँगा और शाम तक पहुँच पाऊँगा हर्सिल में। गाइज मैं उत्तरकाशी में आ चुका हूँ, और बस थोड़ी दूर जाके GMVM है जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, रेस्ट हाउस। और उनका अभी कॉल आया था मेरे पास, तो वो लोग बोल रहे थे कि हर्सिल का रास्ता जो है वो बंद है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ग्लेशियर है जो रास्ते में आ चुका है, और 2 फीट अराउंड वो बता रहे थे कि बर्फ़ है वहाँ पर। तो वो कहते कि अगर आप जाओगे, और वहाँ पर कार भी वो बता रहे कि काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रही है और एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पर, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ की मत जाओ, क्योंकि वैसे भी रास्ता बंद है उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से सॉरी, थोड़ा ही दूर मैं जा पाऊँगा आगे, और इसके बाद मैं आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि रास्ता उन्होंने रोक रखा है और उसको क्लियर होने में 3-4 दिन लगेंगे। तो
तो आज मैं उत्तरकाशी में ही स्टे करूँगा। कल देखता हूँ कि कल या तो वापस धनौल्टी में जाऊँगा और नहीं तो फिर एक बार ट्राई करूँगा जाने का आगे, फिर भी कितना मैक्सिमम तक हो पाता है आगे जाने का, और देखते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ आपको जैसे भी। आगे का रास्ता तो बंद है, मैंने आपको बताया था, तो सबने बोला कि आगे जाके चांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि पुलिस वाले भी आगे नहीं जाने देंगे। तो आज मैं उत्तरकाशी में रुक रहा हूँ, तो आज यहीं एक्सप्लोर करते हैं।